रेडी। स्टार्ट। सक्राति का अर्थ है अंतरण, संगमन अथवा मेल, विराम। इस दृष्टि से सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने को सक्राति कहते हैं और प्रवेश काल को संक्राति काल, विराम। यह काल अत्यंत पवित्र होता है क्योंकि इसमें अंतरण और संगमन की महिमा है, विराम। अंतरण चाहे प्रकाश का हो या ऊर्जा का, धन का हो या संपदा का होना चाहिए, विराम। संगमन चाहे नदियों का हो या आत्माओं का, संप्रदायों का हो या भाव विचारों का होना चाहिए, विराम। सोचिए जब दो नदियों का संगमन एक तीर्थ को तीर्थ राज बना देता है तो यह दुनिया के विभिन्न धर्म संप्रदायों, मनुष्य के भाव विचारों में मेल हो जाए तो इस दुनिया का रूप कितना पवित्रतम हो जाएगा, विराम। संपूर्ण जगत को आलोकित करने वाले प्रकाश पुंज सूर्य का मकर राशि से संगमन का पावन पर्व मकर संक्रांति दुनिया को यही संदेश देता है, विराम। पैरा। शुभ कार्य तो क्या इस काल में मृत्यु भी श्रेयस्कर मानी जाती है, विराम। सूर्य केवल प्रकाश का ही नहीं ऊर्जा का भी स्रोत है, विराम। सीताधिक्य से जड़ बन चुके जगत को चेतन करने का पर्व है मकर संक्रांति, विराम। बसंत इसी मकर संक्रांति का परिणाम है जो अपने आगमन से कण कण को सुवासित कर सकल सृष्टि का रूप परिवर्तन करता है, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन है, विराम। इस दृष्टि से यह पर्व परिवर्तन का ही पर्व भी है, विराम। पैरा। मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं विचारधारा भी है जो संघ क्रांति करने का आह्वान करता है, विराम। आज देश में अज्ञान, अशिक्षा, ढोंग, आडंबर और अंधविश्वास के विरुद्ध एक साथ मिलकर क्रांति करने की आवश्यकता है, विराम। जब सभी भारतीय मिलकर इन सब से अपने देश को मुक्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे तभी इस पर्व का तमसो मां ज्योति गर्मय का मूल संदेश इस धरती पर फलित हो सकेगा, विराम। वर्ष के बारहों महीने बारह राशियों पर अहर्निश गति करने वाला कर्मयोगी सूर्य सभी मानवों को कर्मयोगी
बनकर भारत माँ की सेवा करने की प्रेरणा देता है। विराम।